में संशोधन पर हड़ताल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हड़ताल हुई प्रभावी। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में विरोध, बस और ऑटो ऑपरेटर्स ने चक्का जाम किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बुलाया है बंद, सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है बंद में शामिल। गाजियाबाद में मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर हड़ताल और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल हुई है प्रभावी। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में विरोध हो रहा है, अपने अपने तरीके से विरोध, बस और ऑटो ऑपरेटर्स ने चक्का जाम किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने यह बंद बुलाया और अब आप देखिए कि सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है बंद में शामिल और इसी के मद्देनजर काफी दिक्कतें भी लोगों को होने वाली हैं, क्योंकि वीकेंड है नहीं और ऑफिस खुले हुए होते हैं, स्कूल खुले हुए होते हैं, इसी के तहत काफी सारे स्कूल्स को भी बंद किया गया है। लेकिन जहां तक बात ऑफिस की है वो खुले हुए होंगे और ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आम लोगों को। बस और ऑटो ऑपरेटर्स ने चक्का जाम किया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट कई राज्यों ने हालांकि अपने अपने तरीके से इसमें सुधार करके काम किया है, लेकिन अब जहां तक बात यहां पे है तो अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको लेकर गाजियाबाद में हड़ताल है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल हुई है प्रभावी। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में विरोध हो रहा है और इसलिए प्रिकॉशन लेते हुए स्कूल्स वगैरह को बंद रखा गया है, बस और ऑटो ऑपरेटर्स ने चक्का जाम किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ये बंद बुलाया है और देखिए जब से ये नया व्हीकल एक्ट लागू हुआ है तब से तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं पर कहीं कहीं 2-6 लाख तक का चालान कटा अगर पूरे देश की बात करें तो। आज दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चक्का जाम किया है। मेरे पीछे उसकी इनिशियल तस्वीरें हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो कि कभी ऑफिस जाने वाले हैं और इन लोगों को कोई साधन नहीं मिल पा रहा और इस तरह ये जो सभी लोग हैं ये लोग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर गाड़ियों से ले जाने वाले हर एक शख्स को रोक रहे हैं। हालांकि इस हड़ताल के अंदर स्कूल बसें भी शामिल हैं लेकिन स्कूल बसों पर कोई पाबंदी नहीं है इसलिए उनको चलने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पर कई सारे ऐसे जो पैसेंजर्स हैं जो कि रोज आते जाते हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मैडम आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग डेली कम्यूटर्स हैं? प्रॉब्लम हो रही डेली तो नहीं होती है, तो अभी सुबह से ही नहीं है यहाँ पे कुछ। आपको पता था कि आज हड़ताल है? ऐसा कुछ नहीं पता था मेरे को। सर आपको पता था हड़ताल है? नहीं नहीं पता, आज हड़ताल है इसका कुछ नहीं पता था मेरे को। अभी ऑफिस जाना होगा तो दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है ऑब्वियसली, कैसे जाए। इस तरफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं जो कि जिन्होंने पूरा जो बस जाम कर रखा, क्योंकि यहाँ से ये गाजियाबाद की गोंदपुरम से दिल्ली के आनंद विहार तक ये बसें जाती हैं। आप लोग बताइए कि आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हैं, हड़ताल और चक्का जाम किया क्यों है? ये तो काफी दिन से चल रहा चर्चा में, बताया था कि 16 तारीख तक का टाइम दिया था और इसमें बताया था कि 16 तारीख तक हमारा संशोधन हो जाना चाहिए नहीं तो 19 तारीख को चक्का जाम रहेगा। कितने चालान के विरोध में क्यों आखिर? चालान के विरोध में क्या कहीं मनमर्जी हो रही है पुलिस की, मानने को तैयार नहीं है, खड़ी गाड़ियों को चलान कर रहे हैं, उल्टे सीधे चलान कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश राय जुड़ गए हैं। लोकेश, नए मोटर व्हीकल एक्ट के लिए के विरोध में आज ये चक्का जाम है लेकिन कहीं ना कहीं हल्का आम आदमी है। लोकेश क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है तो ऐसे में अब लोग घर से निकल रहे होंगे और उनकी परेशानियां बढ़ रही होंगी। बिल्कुल, पिछले 1 घंटे से हम गाजियाबाद के एक बस स्टैंड पर खड़े हैं जहां पर अब मेरे पीछे आप तस्वीरें इस तरफ देख सकते हैं कि जो डेली कम्यूटर्स हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले लोग हैं, वो सभी लोग यहां पर इंतज़ार केवल कर रहे हैं और उनके पास और कोई साधन मौजूद नहीं है, क्योंकि कल ही अचानक ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उन्होंने बंद बुलाया है। और ऐसे में जो यहाँ पर देखिए तस्वीरें हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटो एसोसिएशन के जो बस एसोसिएशन हैं उन लोगों ने पूरी तरीके से चक्का जाम कर रखा है। ये तस्वीरें हैं जो कि बता रही हैं कि क्या दिक्कतें हैं। सर ये बताइए, आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, आज हड़ताल है, कितनी दिक्कत है? हड़ताल की पहले से पता नहीं थी, जैसे गवर्नमेंट अचानक से टैक्स दे, मतलब कि टैक्स लग
लगा देते लोगों पर, नोटबंदी कर देती है, चलान के कल से चलान कट जाएंगे, कोई प्रीवियस इंटीमेशन हो हमारे। नहीं, आप आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में कॉल करके बोलना पड़ा कि आज की छुट्टी दो तो मेरा तो सैलरी कटेगी। अच्छा, आप लोग ऑटो और इस एसोसिएशन से हैं, आप बताइए कि किस तरीके की समस्या है, क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरी आगे तारीख थी कोर्ट में, मगर वो कैंसिल हो गया। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर कई सारे लोग हैं यहाँ पर, आप भी डेली मतलब ऑफिस जाने के लिए तैयार होंगे सर? क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी, कितनी प्रॉब्लम है अगर ये इस तरीके की हड़ताल? प्रॉब्लम बहुत है, आधे घंटे से खड़े हैं, कोई सवारी नहीं, ऑफिस जाना है जरूरी। किस तरीके से फिर जाएंगे, क्योंकि कैब से लेकर के तमाम बसें सब बंद? कहाँ जाएंगे, वापस घर जाएंगे, क्या करें? अच्छा, आपको स्कूल जाना होगा, क्या मिल पा रही है गाड़ी? नहीं अंकल जी, गाड़ी नहीं मिल रही, चलान की वजह से कोई भी ऑटो ना बस मिल रहा है। आप मुझे कोचिंग जाना था, लोकेश देखिए, आप लोगों की समस्या तो हम सुन पा रहे हैं कि उनको क्या दिक्कत है। जो अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कुछ लोग हैं अगर आपके आसपास, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आखिर जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, क्या इससे कुछ हल मिल जाएगा उनको, क्या यही तरीका है? बिल्कुल खुशबू, दरअसल तरीका जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं वो लगातार सरकार को अल्टीमेटम इससे पहले देती आ रही थी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर संशोधन किया जाए, क्योंकि कई ऑटो चालक ऐसे हैं जिनके की 50,000 के चलान और उतने उनके ऑटो की कीमत नहीं है। इस बात का विरोध चलता आ रहा था और इस पर कंसिडरेशन की बात हो भी रही। अच्छा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जराफत अली है। जराफत जी, आप लोग बस ऑपरेटर्स हैं, आप लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर बसों का चक्का जाम क्यों किया, आखिर वजह क्या है? चक्का जाम इस वजह क्या है, मनमानी हो रही है पुलिस की, धड़ाधड़ चलान हो रहे, बेकार कर दिया ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल। आप लोग की कोई गलती नहीं है? हमारी क्या गलती है, गाड़ियों के पेपर रोके हैं, सब चीज बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, फोटो खींचे, ड्राइवरों के साथ मारपीट कर रहे, बदतमीजी कर रहे। कितने का चलान हुआ है आपकी गाड़ी? हमारी गाड़ी का तो तुम कहो तो मैं लिस्ट कम से कम लाखों रुपए के चलान हो चुके अब तक सारी गाड़ियों के। इतना फायदा कहाँ, घर से दे रहे, कर्जा कर करके। आप लोग बताइए, आप परेशानी है? जी बहुत परेशानी, ये चलान कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी तो चलान, चना में जा रहे हैं तो चलान, बहुत परेशान है पब्लिक। बिल्कुल लोकेश, देखिए परेशानी तो निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन लोकेश एक चीज ये भी जाने वाली है, क्या इन्हें नहीं लगता कि ये जो नई व्यवस्था की गई है उससे कुछ भी लाभ है? उससे लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए ये किया गया है, नियम से रहे, कायदे से रहे, फिर क्यों चलान कटेगा? देखिए समस्या यही है, इन लोगों की शिकायत यही है कि गाड़ी के कागज पूरे हैं, गाड़ी के सारे ड्राइवर्स के लाइसेंस पूरे हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स का टारगेट, क्योंकि यहाँ पर एक बात जानकारी के लिए जरूर बता दें कि ट्रैफिक पुलिस को टारगेट दिया जाता है इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि आपको इतने लाख का चलान करना है मंथली, और इसलिए वो ज़ाया तौर पर, क्योंकि इन लोगों की शिकायत ये है कि वो ज़ाया तौर पर कमर्शियल व्हीकल का चलान करते हैं, और जैसा बताया भी गया है कि बसेस का और ऑटोज का कई हज़ार का चलान करते हैं और अब तक कई लाखों का चलान ये लोग पे कर चुके हैं। तो इसमें इन लोगों की शिकायत पुलिस प्रशासन से है कि वो लोग ज़ाया तरीके से, यानी कि अगर गलती नहीं भी है तो भी फोटो, क्योंकि फोटो अपलोड कर दी गई और फोटो अपलोड करने के आधार पर चलान। बिल्कुल, चलिए लोकेश, नजर रहेगी हमारे इस खबर पर। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, बस ऑटो ऑपरेटर्स ने चक्का जाम किया है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश हमें सारी तस्वीरें दिखा रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चक्का जाम अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आम आदमी हलकान हो रहा है, लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे जो है वो अपने टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन सबसे देखिए, चाहे एक आम आदमी हो, अगर आज वो अपनी जॉब पर नहीं पहुंचा तो उसकी सैलरी कटेगी, और शायद इस चीज का एहसास इन लोगों को नहीं है जिन्होंने इस तरह का बंद बुलाया है। हालांकि अब देखिए, आज इस तरह का बंद है मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में, देखना होगा कि क्या कुछ मिल पाता है इस बंद से। चलिए बात अब करते हैं योगी सर